नमस्कार, VMR न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए बताते हैं आपको किस तरह आज के ज़माने में इस बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना हो रहा है मुश्किल। शिक्षा विभाग की मिलीभगत से निजी स्कूल संचालन काट रहे हैं अभिभावकों की जेब। पूर्व उप प्रधानमंत्री और समता मूलक समाज के प्रणेता बाबू जगजीवन राम की 32वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से झालाना संस्थानिक क्षेत्र में समारोह का आयोजन कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मुख्य अतिथि समिति के अध्यक्ष LC असवाल ने कहा कि समाज के युवा बाबू जगजीवन राम के समता मूलक जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। 32वीं पुण्यतिथि की उस पुरोगन ने जो समता मूलक समाज के मुख्य संस्थापकों में एक, जो देश के उप प्रधानमंत्री और जिन्होंने हरित क्रांति, रक्षा की क्रांति और रेलवे, इन तीन गैर ने जो जबरदस्त काम किया, जो अपनी मिसाल कायम किए, अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति होते हुए एक दिल्ली में केंद्र सरकार में रहते हुए अपना एक काबिलियत दिखाई, उस समता मूलक समाज की पुरोदय के आज पुण्यतिथि। बाबू जगजीवन राम जी को समाज की तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की तरफ से यहाँ पर हमने उनको नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि युवाओं को, आम आवाम को ऐसी व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए जो समाज में एक नया स्थान बना के अपने मुकाम पर पहुंचे और प्रेरणा के साथ में आगे बढ़े। शिक्षा विभाग की मिलीभगत से निजी स्कूल संचालक काट रहे हैं अभिभावकों की जेब। उच्च अधिकारियों को जानकारी होते भी नहीं कर रहे कोई कार्यवाही। प्रशिक्षित अध्यापकों की नहीं लगते हैं सूची। बाल वाहनों में ले जाते हैं क्षमता से अधिक बच्चे। कक्षा कक्ष में नियम से अधिक बच्चे। कस्बे सहित जिले भर में संचालित निजी स्कूल संचालकों द्वारा शिक्षा विभाग की मिलीभगत से विद्यार्थियों के अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। 10वीं कक्षा के 15 से 20 हजार व 11वीं से 12वीं के 25 से 30 हजार फीस ले रहे हैं। ये हाल तो हिंदी मीडियम का है। वहीं अभिभावकों को निश्चित दुकानों से ही ड्रेस एवं किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कल होगा विशाल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन संस्थान सीकर के चेयरमैन KK यादव और संस्था की टीम और राधा रमन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा विशाल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कल श्री चिंतारण हनुमान मंदिर आदर्श नगर जयपुर में 8 बजे से आयोजित होगा। आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन संस्था के चेयरमैन KK यादव ने बताया कि संस्था के 5000 बच्चे जयपुर ग्रामीण क्षेत्रों के सम्मानित होंगे। सम्मान समारोह में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के अभिभावक, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकारगण भी सम्मानित होंगे। इस विशाल प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजनकर्ता राधा रमन चैरिटेबल ट्रस्ट और संयोजनकर्ता VMR न्यूज चैनल और भारत का लाल समाचार पत्र होगा।